वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निदान, मेहरबान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी निगी गोद दा आनंद माण रही। सर्वत साध संगत जी, आप जी भागा वाले हो, जिन्हां नूं ये शुभ अवसर सतसंग के रूप के प्राप्त होया, आओ इस वक्त को सफल बनाइए। सतगुरां की पावन अमृतमयी कथा जिस विच आप जी ने सरवण किया, मुल्तान के जिन्हें भी पीर हैं, गुरु नानक साहब महाराज के सन्मुख झुक के उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। गुरु बाबा जी ने इन्हां पीरां नूं जो उपदेश बख्शिश कीता है, जिस नूं हाजरनामे के नाम नाल जाणिया जांदा है, फारसी के अखरां विच सतगुरां ने यह बचन लिख के पढ़ के सुनाए। एते टोल जे जान जनावै तौ नानक दानशवंद कहावै। इन्हां पीरां नूं समझा दिता, जे कोई दानशवंद फकीर बनना चाहुंदा है, उपरोक्त जिन्हें भी गुण दसे ते जिन्हें भी ऐब दसे इन्हां नूं समझना पैणा। आप जी ने बड़े विस्थार सहित इन्हां सारे प्रकरणां दा आनंद माणिया है। आओ सुरत दियां लाइए चुभियां, ध्यान करके जुड़िए गुरु नानक साहिब महाराज की पावन पवित्र कथा विच। आसीस बख्शो, गज बज के आखो जी सतनाम श्री सतनाम श्री। प्रकार सुन पीर सब बंदे पद अरबिंद, कर प्रशंसा अधिक मुख पर कर दयानंद। दीन दुनिया दे मालक परिपूर्ण परमात्मा गुरु बाबा गुरु नानक साहिब, जदों मुल्तान दे पीरां नूं रहनी बहनी कहनी ते सहनी सिखा रहे ने, सतगुरां दे उपदेश नूं सुन के हाथ जोड़ चरना ते वंदना करके आखण लगे, पातशाह जिस रब नूं असी खुदा कहिंदे सी, असल विच ही उह खुदा तुसी हो। जिस रब की प्राप्ति के वास्ते मक्के की धरती ते जाके सजदे करते सी, वह रब भी तुसी हो। बड़े वड्डे भाग ने साडे, तुसी सानू आण मिले, जे तुसी ना मिलदे साडा जीवन पीरी दे माण विच ही गुजर जाणा सी। जग दियां करामातां ते जग दे पदार्थां विच असी खच्चत सी, तुहाडे उपदेश ने सानू अंदरों तारे आए। श्री गुर गिरा उलाई सुनो पीर बहावली, लोभ जय दहकाए रात चलाए जगत बहो। जो ये बचन उन्हां पीरां ने हाथ जोड़ के आखे, गुरु नानक साहब कहिंदे बहावल दे पीरो सुनो,
वसदे मुल्तान दे विच ने ते पिछोकड़ पीरां दा बहावलपुर। गुरु पातशाह कहते बहावली पीरो सुन लो, ये संसार दृष्टमान है जो झूठा सी तुसी भी सच्चा मनी बैठे ते तुहाडे मुरीद भी। पर अज जो गुरु पातशाह ने उपदेश बख्शे है उन्हें वेख लिया यह जग धूए का पहाड़ तै साचा जाने बे ते जग धूए दे पहाड़ वर्ग है, धूए दे गुबार वर्ग है, यह सचा नहीं है। सतगुरु कहते जो सचा नहीं ओदे नाल नेहो क्यों लाया, प्रीत क्यों लाई है, चित क्यों लाया हुआ है। जो गुरु पातशाह के वचना सुनिया तो बहावल के जिन्हें पीर से बहावलपुरी ते मुल्तानी गुरु नानक साहब महाराज का एक एक वचन सुन के कमा रहे ने, पल्ले बन रहे ने। उन्हें जान लिया कि मनुखा स्वरूप दे विच खुदा आप तुरिया फिरदा है, किड्डे वड्डे कर्म सी साढ़े सानू रब मिल गए। हुण गुरु नानक साहब महाराज इन्हां सारिआं नूं फिर तो वचन दसदे आ जो पल्ले बन्ने ने बंदे हाथ पीर पुन कही तन तन श्री नानक ऐही। गुरु पातशाह कहिंदे अपने अंदरों डर कढ दिओ, दुनिया दे जिन्ने रौले ने सारे रौलिआं दी जड़ सिर्फ डर है। जिस बंदे दे अंदर तो डर दा प्रचलन खत्म हो देना वो तो मौत को भी डरता नहीं, ते जिदे अंदर डर है वो तो सुपनिया विच भी डरता है, ख्यालां विच भी डरता है, लोकां तो भी डरी जांदा है, परछावियां तो भी डरता है। वो रात दे हनेरियां तो भी डरेगा ते अपने जने बच्चियां जम्मियां तो भी डरेगा क्योंकि डर है। गुरु पातशाह कहिंदे ये डर मन दे विचों कढ दिओ। डर है की है गुरबाणी नूं जे पुछिए गुरु साहब ने खुल के आखिया डर डर डरना मन का सूर। कहिंदे डर सिर्फ मानसिक तल ते है, मन डर गया ते डरी शरीर भी जांदा है। कबूतर ते दिल दे विच इक डर है, वो बिल्ली नूं वेख अखां बंद कर लैंदा है, कहिंदा हुण मैं अखां बंद कर लईआं मैं नहीं वेखदा ते मैनूं ओह नहीं वेखदी, फिर कड़ा डर चलिया गया। गुरु साहब कहिंदे ये मन का ही डर है, डरना नहीं है। जितन मन विचों डर निकल जाए मन नूं हौसला मिल जाता है, ते जिहनूं हौसला मिल गया उहनूं जिउणा आ जाता। सतनाम दुनिया च जिंदगी साडे सारिआं कोले आ पर जिउणा किसे नूं भी नहीं आ रहा। लोग ऐदां समाज तो डरदे फिरदे जिवे किसे तो करजा लैके देना होवे वापस। आ हालत अज मनुख धर्म की दुनिया में बैठ के बाणी नहीं पढ़ सकते, पाठ नहीं कर सकते, मन में फिर भी डर है। गुरु पातशाह कहते डर छड, जितन नडर हो जाएगा ना तैनू डराने वाले तेरे तो डरन लग जाएंगे, डर छड के ते वेख। गुरु साहब कहते पीरो तुसी मौत तो डरते सी, डर कढ़दे हो। इन्नी गल समझ आ जानी है जिदन रब ने मौत लिखी मरना उसे दिन है, ते मैं पल पल ते घड़ी घड़ी ते रोज क्यों मरा। खो सतनाम क्यों मरा रोज, मौत ने एक दिन आना ते बंदा ते हर पल मरी जाता है, व्यक्ति ते हर वेले सोचा ती मर रहा है आ ना कीता या हो जाएगा। गुरु साहब कहिंदे पीरो बहावलपुरी हो डर कढ़ दिओ मन चो, हाथ जोड़ के कहिंदे पीरां दे पीर गुरु नानक पातशाह ये डर उन्हां दा मन चो निकल जांदा है जिन्हां ते रहमत तेरी होवे। आखो सतनाम उही डर वड़दे आ, गुरु डर कट दिंदे आ, भय कट दिंदे आ, खौफ कट दिंदे आ। साडे सारिआं दे मन विच असीं जुड़े ते गुरु नाल होए आ डर बड़ा सानूं, किसे नूं पिछड़न दा डर है, किसे नूं पदार्थां दे गवाच जाण दा डर है, कोई अपनिया तो डरी जाता है, कोई ख्याल तो डरी जाता है। तो जिदन गुरु नाल जुड़ गए सतगुर की कृपा हो गई, गुरु नानक साहब ने बांह फड़ ली ना, वही उदन मौत भी सामने आवे तो वह भी डर नहीं होता।
गुरु साहब ने इन्हां पीरां नूं उपदेश बख्शिश कीता, मन दा डर हरण कर दिता ऐ। बैन सुदा सम मित्र दुख टाए, रावर को अमोग दरसाए। बड़ी देर तक बैठ के सतगुरां दे दीदार करते रहे, मन दा डर खत्म हो गया। गुरु नानक साहब महाराज जो ये गल्लां समझाउंदे सी ना, ते पीरां दीआं अखां च प्रेम दे हंझू सी। जिहनूं एडा वड्डा ज्ञान मिल जे, जिंदगी जिउण दी मत आ जे, जिस सज्जण दी एडी कृपा जीवन ते हो जे, चलना आ जे, तुरना आ जे, उहदा ते हर साह नाल शुकराना है। गुरु साहब दे कोल बैठे बड़े भावुक हन, जिवें पंचम पातशाह ते गुरु नानक साहब दी बाणी है, जियो डरत है अपना कैस्यो करी पुकार, दुख विसारण सेवया सदा सदा दा दार। सतगुरु कहिंदे जे तेरा जियो हिरदा डरदा ते उस दाते नूं चेते कर, निरंकार नूं चेते कर, ओए काल भी ओहदा बनाया ते जन्म भी ओहने दित्ता ते माया भी ओहने आप पसाई हुई है, ते तेरा डर मुक जाणा। सतगुरां दे वचनां नूं सुण मन वैरागी हो गया। मन वैरागी जदों हुंदा ना, उदों जग दे नाल प्रीतां टुट जांदियां ने, पदार्थां दी तंद टुट जांदी है। ये महाराज ने किते नहीं कहा भी जग दे पदार्थ छड के दुनिया तों वक्ख हो जा, कपड़े पाउणे छड दे, जुत्ती पाणी छड दे, किते भी नहीं कहा। पहिनो सब कुछ छको छकाओ, मौजां करो, पर किसे भी पदार्थ नाल चित नहीं लाउणा। जे चित जुड़ गया मोह बन जांदा है, भावे छकण वाले पदार्थ हो, भावे पहनण वाले हो, पदार्थां नूं पदार्थां तक सीमित रखिया जावे। ये बचन गुरु नानक साहब जी ने समझा दिते पीरां नूं, ते पीरां दे मन विच वैराग सी, नहीं चाहुंदे गुरु नानक साहब महाराज तो विछड़ना, जिस मौला खुदा नूं रोज याद करदे सी। अखां दे सावे बैठाए, कन्न फकीरी तुम जो कमाई है, जिसकी गुरु पातशाह नूं कहिंदे महाराज तुहाडी इह फकीरी धन है जो तुसीं कमाई। कहण मात्र ते दुनिया फकीरां नाल भरी पई है, एक तो एक फकीर वजदा फिरदा विच, पर फकीरी ओह है गुरु नानक साहिब वर्गा पीर कोई नहीं, ते गुरु बाबा जी वर्गा फकीर कोई नहीं। कहिंदे महाराज तुसीं आप फकीरी कमाई है, ते सानू फकीरी कमाउण दा तरीका दस्सिया है। हाजरनामे की बाणी च सतगुरां ने यही तो सिखाया है, फकीर किवें बनेगा, गुण किहड़े ने, औगण किहड़े ने, रखना की है ते छड़ना की है, जुड़ना किहदे नाल है ते हटना पिछे किहदे नाल है। आप जी ने बड़े विस्थार सहित सुने है। गुरु साहब नूं कहिंदे महाराज फकीरां दे फकीर हो, क्योंकि ऐसी फकीरी की चिट के ना पीरां नूं लग गई, मन चो फिकर मुक गया। सतनाम जिहदे अंदरों फिकर मुक जे जी फकीर उही है, इत्थे ते बंदा चिता तक फिकर नहीं छड़दा। मरण वाला पिया हुंदा सोची जांदा, हाए मेरे पुत दा की बणू, हाए पोते दा, बाबा छेती मारे इन्हां दा ते बहुत कुछ बण जांदा। तूं इक पासे हो, पर मोह बंदे दा इन्ना क प्रबल हो गया जद के मनुख नूं पता है इस जग ते मैं मुड़ नहीं आउणा। आ जिहड़े मेरे आपणे आ ना, मेरे नाल जुड़े आ, इह मेरे नहीं रहणे, ते जिउंदे जी सां। हुण ते जिउंदे जी भी कोई अपना नहीं है। अगे ते चलो ये हुंदा सी ना माड़ा मोटा, भी सौ चो दो चार बंदा कहिंदा सी मेरे अपने नाल खड़दे, हुण नहीं कोई खड़दा। वक्त ऐसा आ गया, अगे ते होर भैड़ा वक्त आउणा आउण वाले समय च। कलयुग ने होर भयानक हुंदे जाणा है। वेखियो समाज दीआं तंदां कित्थे जाणगीआं, समाज दे हाल कित्थे जाणगे। हुणे सारा कुछ हो गया, हुणे किसे नूं किसे नाल कोई मतलब नहीं। गुरु साहब कहिंदे जिन्हां दे जीवन विच फकीरी होएगी ना, बेपरवाह होणगे, उहनूं घाटे च चिंता नहीं, वाधे च खुशी नहीं। जीवन दे ही है, इहो हमारा जीवन आ, तूं साहिब सच्चे वेख। मर्द कहिंदे तेरा जीवना ते इसे गल लई होणा चाहीदा सी, मैं रब नूं वेखणा, रब रब जपणा है, ते साडा जीवना कहदे वास्ते है, सारिआं दा। मैं अमीर किवें हो जां, मैं सुखी किवें हो जा, ते किसे अमीर कोल जाके बैठो, वह कहिंदा यार मैं ये सोचदा मैं तंदुरुस्त किवें हो जा। सतनाम गरीब कोल तंदुरुस्ती है, वो माया नहीं।
अमीर कोल माया है तंदुरुस्ती नहीं, गरीब कुछ खा नहीं सकता मर्जी दे नाल, ते अमीर नू डॉक्टर खान नहीं दिंदा, सुखी कौन आ फिर जे वेख्या जाए? एक गरीब बंदा बहुत सुखी है, उहदा उहना की परिवार है, उन्हें की खर्चे ने, उन्हें समय दे विचों भी जे घर कोई आ जाए उन्हूं छका सकता है, रजा सकता है, कोल बह सकता है, रब दीआं गल्लां सुन सुना सकता है। एक मायाधारी कोल जाओगे उहदे कोल तुहाडे कोल बहण लई समां नहीं होएगा, महंगे पकवान रख देगा पर फीके होणगे क्योंकि प्रेम नहीं होएगा। गुरु नानक साहब कहिंदे उह फकीरो इह फकीरी तुर तरगाह दी है, निरंकार दी फकीरी है। गुरु साहब ने तो अपने हर सिख नूं फकीर बनाया भी सिखा तेरा पदार्थां नाल लगाव ना होवे, मोह ना होवे, ठीक है ये वर्तन दीआं चीज़ां ने इन्हां नूं वरत्या कर, पर असी वरत्या की? असी दुनिया वरत लई आ, सतनाम चीज़ां नहीं वरतियां बंदे ने रिश्ते वरते, बंदे ने बंदे वरत ले, किसी ने धन वरत लिया। वरतना की सी? वरतन दा वरतारा सी चंगे ते माड़े पदार्थां नूं वेख के, पर वरते कुछ हो। गुरु साहब का आ उपदेश कहते मुल्तान के पीर ने लिख लिया, हाजरनामा जो मर्द ने उचारण किया ना, कले कले पीर ने लिखा अपने मुरीदा ए उपदेश बख्शे आए, सर्व जगत की जो गुरे आए सो तुम्हारी लायक बन आई। कहते महाराज पूरे जग दे तुसी गुरु हो, ब्रह्मांड दे मालक हो, सानू ते अज पता लगा। देखो कोई किसी नूं विश्व गुरु कही जाए फिर की हुंदा, कोई पुछदा किसी? सृष्टि का करता ते मालक कौन है? निरंकार, जो ब्रह्मांड खंड रचन वाला है, बनाउण वाला है, मालक ते उसे ने रहना है। इत्थे ते बड़े औनर बने फिरदे आ, कोई कहिंदा मैं रब हां, दूजा कहिंदा मैं रब नहीं, ओह इको ही है। ओहदे वर्गा ना कोई होया ते ना किसी ने होना, इत्थे गुरबाणी ने स्पष्ट कह दिता, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी ही सच। एको ही सी जो आदि विच भी है, जुगां जुगां दी शुरुआत विच भी है, अज भी है ते सदा रहेगा, उहदी रीस कौन कर सकदा? कोई भी नहीं। कहिंदे मालक जी तुसी ब्रह्मंडां दे गुरु हो, असी अज पछाणे आए, करे काल नर दी उपदेशा कूट उदारे श्री जगतेशा। आप जी ने करोड़ा दा उदार कीता है कलयुग दे समय दे विच, उस युग च गुरु नानक साहब ने दुनिया दा भला कीता जिथे लोग ना माया लेके भी भला नहीं करते। समाज ऐसा है, तुसी किसी नूं पैसे भी दे दिओ मेरा काम कर दो, वह पैसे लैके भी चज नाल काम नहीं करता। युग ऐसा चलता है, मेहनत मजदूरी बंदा पूरी लैंदा है पर काम चित ला के नहीं करता, ऐसा जमाना है। तो ऐसे जमाने में घर घर जाके तारिया गुरु बाबा गुरु नानक साहब, किसी तो मेहनताना नहीं मंगेगा, किसी ते एहसान नहीं किया, किसी ने पत्थर भी मार दते, रस्सियां नाल बंध भी लिया, किसी ने सोटियां भी मारियां, मंदा चंगा भी बोलिया, किसी ने पानी रोटी भी ना पुछे। वो तो कहते कहते सचे पातशाह तेरा कोई देण दे सकदा है? इस भयानक युग दे विच तुसी जाके वड्डे वड्डे पापियां ते हंकारियां नूं कर जाके सुधारिया ए, फकीर या को नामा जो कीनी तुम करना तामा। ए करना तामा करना कृपा दे सागर गुरु नानक साहब जी, असल ते फकीरी यही है जिहड़ी तुसी धारण कीती है। जग ते बड़े फकीर होए, वड़िया ने होना है, पर मुल्तान दे पीर जेड़े कदे सोचते सी इस गुरु नानक नूं करामात च नहीं हरा सकते, इहदे नाल चर्चा नहीं कर सकते, ते अज उह कहिंदे बाबा तेरे वर्गा फकीर कोई नहीं। सच्ची गुरु नानक साहब वर्गा फकीर है कोई नहीं? गुरुआं चों वड्डे गुरु, पीरां चों वड्डे पीर, फकीरां चों वड्डे फकीर, गृहस्थियां चों वड्डे गृहस्थी, सन्यासियां चों वड्डे सन्यासी, दानियां चों वड्डे दानी, ते पैदल तुरन वालियां दा रिकॉर्ड है गुरु नानक साहब जी दा, अज तक उन्हां दे बराबर दुनिया च कोई नहीं तुरिया। उन्हां समयां च जद कोई साधन नहीं सी, सृष्टि दा गेड़ा, धरती दा गेड़ा, ब्रह्मांड दा गेड़ा,
कौन उहदे वर्गा हो सकता है। इसे करके मुल्तान दे पीर दिलो शुक्रिया कर दे गुरु नानक साहब का बारंबार वंदना कर दे ने मीनू शेख फरीद जो जोद नाम है ता है। ते फिर पुछदे आ कहंदे महाराज जुड़िया होयां दे नाम दस दिओ जो जुड़े ने। सतगुरु कहंदे शेख फरीद वर्गा फकीर कोई नहीं सी। भगत फरीद जेड़े बचन पता की है शेख है आकी जग ना कोई थिर रहया जेते आसन हम वैसे केते बैस गया। ये फकीरी सी कहंदे शेखा अपने आप नूं कहंदे आ इस जग ते कोई सदा नहीं रहा ना रहना जिस शरीर विच तू बैठा है हो जे शरीर लेके किन्ने आए इस थां ते किन्ने तुर गए। यह है फकीर दी बोली। गुरु नानक साहब कहिंदे शेख फरीद वर्गा फकीर जग ते कोई नहीं। ते जो तो भगत फरीद जी की बाणी पढ़ते हैं ना सच्ची अंदर रो पैंदा है। जो तो अर्थां की समझ आउंदी है ना मन झंझोड़िया जांदा है किसी होर ही खंड ब्रह्मांड च सुत चले जाती कदे क्योंकि उन्होंने जो शब्द ने रूहानीयत ना भरपूर ने। बंदे नू बार बार झंझोड़ के कहते बंदे तू मानका दा करदा फिरदा है तेरे कोल की है शरीर भी रब दा दित्ता मन भी रब दा दित्ता पदार्थ भी रब दे दित्ते सवास भी उहदे कर्म भी उहने बख्शे तेरे कोल की है हो की होवे। गुरु नानक साहब कहते पीरो शेख फरीद वर्गा जगते कोई फकीर नहीं। सत सोई सीता कियो जग लक्ष्मण को प्राहे। कहिंदे सत कमाया लक्ष्मण वरगिया ने सीता वरगिया ने। गुरु साहब सारे धर्मां दा सत्कार करदे आ। जे डीप विच जाइए किसे दा कोई रौला किसे दा कोई रौला पर सतगुरु प्रमाण दिंदे जो जग प्रमाणित गल्लां ने। कहिंदे भाई राम ते लक्ष्मण वरगा प्यार नहीं सी किसे च। भरा बड़े हुए दुनिया से हर कोई लक्ष्मण थोड़ी है। इतने तो चंद पैसों पिछे भरा भरा नाल जिउंदे जी नहीं बोलता तो मरिया तू अथरू केरदा कहिंदा मेरे जिगर का टुकड़ा सी। जिउंदे जी बोले नहीं भैन भरा सारी उम्र जदों मर गए फिर धाम मारते फिरते कहिंदे इहदा आसरा ही बहुत सी समाज इत्थे खड़ा है। पर कहिंदे राम ते लक्ष्मण वर्गा प्यार नहीं सी ते सीता वर्गी प्रीत नहीं सी। गुरु साहब कह दियो तीनों रहे जंगलों विच कट्ठे रहे सुख दुख कठिया ने चले ने। ऐसो भगत जो करी कबीरा सो हठ जो पात्रू सरीरा। कहिंदे भगतां दे विचों भगत श्रोमणी होए भगत कबीर जिन्हां ने गृहस्थ विच रह के हठ जोग नहीं कमाया सुरत जोग भगत जोग कमाया। भगत कबीर वर्गे हो सकदा कोई जग ते। जदों उहनां दा जीवन पढ़ीए ना ताहां निकल जांदियां ने। एक समा ऐसा आया भगत कबीर जी अपने घर बैठे आ बेटी कमाली घरे है चोर आ गया। कहिंदा बाबा जी मैनू सूली ला देना है बचा लो भी हुण बचण दा की साधन सी छन च रहिंदे सी धी सुती पई सी। चोर नूं कहिंदे जा नाल बह जा हो सकदा कोई ऐसा भगत। जब वो चोर भगत जी की धी दे नाल जाके सौ गया लभण वाले आए कहिंदे इत्थे कौन पे है कहिंदे मेरे धी जवाई पए ने। किड्डा वड्डा गृहस्थ किड्डी वड्डी भगती। इसे करके क्या भगतां दे विचों श्रोमणी भगत ने भगत कबीर जी। रब भी जिन्हां दे पिछे कबीर कबीर करदा फिरदा सी आखो सतनाम। गुरु नानक साहब कहिंदे कबीर जैसा भगत कित्थों हो जाएगा। भगत सारे एक बराबर ने किसी भगत च कमी नहीं। इहदा मतलब यह नहीं भी जे इत्थे भगत कबीर जी ने श्रोमणी कहता तो फिर बाकी भगत कित्थे गए। ध्रुव जी होए प्रहलाद जी होए बाणी भगतां दी है पर श्रोमणी भगत की मुख्य है। वह अवार्ड सिर्फ ते सिर्फ भगत कबीर नूं प्राप्त होया है। श्रोमणी कोई हुंदा है बाकी सारे एक बराबर हुंदे। गुरु नानक साहब महाराज कहते भगत कबीर वर्गा कोई नहीं सी जिन्हें योग कमाया घर विच रह के बंदगी दा। दुनियावी योग नहीं कड्डी वड्डी टक्कर सी उन्हां दी समय दे पंडतां दे नाल कांशी दे विच मारन नूं फिरदे सी। एक बारी कदे हाथी दे पैरां थले दरड़िया संगल बन बन के बांध कोट कुंचर गौ दी ना
कदे उन्हां नूं संगल पा पा के गंगा दरिया च सुटिया गया। फिर भगत ने आखिया गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कबीर दा पाप रब वड्डा एक ही हो गए सी, तू तू करता तू हुआ मुझने रहा ना हो। ए अवस्था करके गुरु नानक साहब कहते भगत कबीर भगतां च श्रोमणी भगत ने, जेडे ग्रस्त विच रह के रब नूं मिल के गए ने। सो ग्रस्त जो आदम किया, जोग सोई जो गुर गोरख लिया। कहते जोगियां दे विचों वड्डा जोगी कौन है? गोरख वर्गा योगी कोई नहीं। गुरु नानक साहब नूं मिल रहा गोरख बार बार, बार बार मिलता सिद्धां दा गुरु है गुरु गोरख। भगतां विचों भगत श्रोमणी, हुण ये मुल्तान दे पीर ने मुसलमान ने यह नहीं जानते इन्हां नूं जी, उन्हां लोकां नूं की पता ये भगत कौन ने। उन्हां च ते वैर विरोध बड़ा सी, ते हिंदू धर्म नाल जुड़े ते राम राम जपदे आ, पर अज सतगुरु उन्हां नूं समझा रहे आ। कहिंदे गोरख वर्गा योगी कोई नहीं, भावे कि मछिंद्र नाथ वह भी होए साथी उन्हां दे गोरख दे गुरु ने, पर गोरख वर्गा नहीं कोई। जिन्हां ने योग कमाया, योग दे विच आके लखां साल अपनी जिंदगी दी उस पासे ला दिते, निंदिया किसे दी नहीं गुरु नानक दे घर। ये योग कीता ना भगती वड्डी सी, ताइयो गुरु नानक साहब नूं मिलदे रहे। ओ गुरु नानक साहब दी किसे पापी ते भी नज़र पै जी, ओ पुन्नी हो जांदा है। ये ते बार बार मिलदे रहे, सतगुरां दी खेड़ है पूजण योग दी। गुरु साहब कहिंदे गोरख वर्गा योगी कोई नहीं, नाले रोज टक्करदा है गोरख नाथ। आप जी ने सुनी ना कथा, कदे कहते आके कहिंदा बाबा आदेश आ, सीधा ओ गल दा जवाब दे, धरती मेरी है, लैंदा ना टक्कर, पिट सुनदी है। हुण गुरु साहब ने यह तो नहीं कहा भी गोरख माड़ा है कि साडे नाल लड़के जांदा है। आए फकीरी ये है अमीरी, गुरु साहब कहते योगी गोरख वर्गा नहीं कोई हो सकता। जिन्हें हठ योग ते भगत योग अपने युग विच कीती है, त्यागण सोए जो पत्थर कीनो, सो तप जनक जाहे मन पीनो। हुण त्याग वड्डा कीदा जी, योगियां दे विचो भरथरी योगी, पूरे भारत दा राजा सी राजा भरथरी, सिर्फ एक औरत दी दगेबाजी पत्नी दी योगी बना गई, साध बना गई, राज छड गया, तप छड़ता सारा कुछ, पदार्थ छड़ दिते, गोरख दी शरणी आया। कहिंदे फिर भरथरी वर्गा कोई त्यागी नहीं होया, मेरे वर्गा ना, मेरे वर्गा चाह छड गए, लसन अदरक छड के ब्रह्म ज्ञानी बन नूं फिरदा है, पर जिन्हें राज भाग ही छड़ता उहदे वर्गा कौन होगा। भरथरी वर्गा जगते कोई त्यागी नहीं है, जिदन छड़न ते आया राज छड़ता, हाथी छड़ते, राणियां छड़तियां, धी पुत छड़ते, सारी जिंदगी जाके नहीं वेख्या, कदे जुबानों नहीं किया कि मेरा भी कोई है। एक ही गल कहिंदा रहा मेरा गुरु गोरख है। उस तो बाद जो समझ आई फिर भरथरी ने गुरु रब मन लिया गुरु नानक साहब। सारे योगी मर्द नूं मिलदे रहे पर भरथरी नूं सतगुरु बड़े नीवे होके मिलदे सी। सब तो पहला सुमेर पर्बत ते जाण तो पहला गुरु नानक साहब मिले सी। आप जी नूं शायद याद होवे जंगल विच एक कुटिया बनी सी, उस कुटिया च भाई मरदाने नूं भेजिया, बैठे पुछदा कहिंदा तुसीं कौन हो, किहनूं मिलणा है? मर्द कहिंदे तैनूं, कहिंदे अपनी कथा सुना। कहिंदा जी मैं ते सतजुग वेले दा बैठा। कहिंदे किहनूं उड़ीकदा है? कहिंदे गुरु नानक साहब, मैनूं मेरे गुरु ने आखिया सी युग कलयुग दा आएगा, उस युग दे विच परमात्मा आ पाउणगे ते तैनूं अपना नाम दस के बुलाउणगे। ते भाई मरदाना जी कहिंदे फिर यही ने गुरु नानक आखो सतनाम। कहिंदे त्यागियां चों भरथरी वर्गा कोई त्यागी नहीं। ते जे जप तप की गल करिए, जिहदा जप तप बहुत वड्डा सी ओ सी राजा जनक। बाणी ने उहनूं धन लिखिआ, धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो बबेक, एक घड़ी के सिमर ने पापी तरिया ने। जिहदी एक घड़ी एक निमक फल दे सिमरन दे नाल अठा नरकां दे कुंड वेले हो गए, उहदी भगती कटी होणी। गुरु साहब कहिंदे राजा जनक वर्गा कोई नहीं हो सकदा, ओ राजा सी दिल दा जिहने राज भी कीता भगती भी कीती, ओदी भगती ही ओदा राज ते ओदा राज ही ओदी भगती सी। सतयुग दा सब तो महान राजा सी राजा जनक, अज भी पूजिया जांदा है।
गुरु नानक साहब कहते मुल्तान के पीरो परमात्मा ने सब नू कोई ना कोई गुण दे के धरती ते नवाजे आए संग्राम जो दे सिर लयो सुबियोग जो रघुपत करयो कहते विछोड़ा ते रामचंद्र दा सी सीता नाल ते योदा गुरु साहब कहते रावण वर्गा कोई नहीं सी ऐसा योदा सी दस वार सिर अर्पण करके भी उहारिया नहीं दानी केड्डा वड्डा सी ओए ओदी लंका सोने दी ते अज दे समय किसे नूं लीडर बना दिओ जी कागजां ते सड़क हैगी धरती ते हुंदी नहीं आखो सतनाम केड्डा वड्डा बंदा होना जिहदी लंका ही सोने दी है भांडे सोने लोक सोने च रहि रहे पापी तां नहीं सी सिर्फ एक औगण सी औगण थोड़ा वेखणा है उहदे वर्गा कौण हो सकदा है केड्डा वड्डा योधा सी ओए उस योधे अगे रामचंद्र भज्जे फिरदे सी युद्ध करना पै गया बंतर की सेना सेवी है मन तन जोजी अपार बड़े वचन ने मारे कहिंदे रावण दा मुकाबला नहीं सी कर सकदे घर दे भेती ने भेद दित्ता इहनू तू नहीं मार सकदा इहदे धुनी जे अमरदा है देवी देवते जिन्हें झाड़ू पोचा करन लाए हो स्वर्गां दा देवता राजा इंद्र जी दे घर च पोचा लावे झाड़ू लावे ते जिहड़े देवी देवते सी बाकी पहरेदारी करदे आ कैद कीते होए सारे सूरज चंद्रमा के अध्यक्ष देवते रसोई च काम करते वड्डा कौन हो सकता है पर कहते सिर्फ एक औगण वड्डा सी हंकार का कोई लै बैठा उ जीरो कर गया ना हुण उहदे वर्गा पंडित कोई चार वेद किसी अज तक जबानी याद होए बड़े दुनिया के पंडित तुरे फिरदे आ कोई चार मंत्र याद कर लैंदा कोई चार शब्द याद कर लैंदा पर उहनू चार वेद मूंह जबानी काम सी क्योंकि पंडित सी ज्यादा विद्वान सी बहुत वड्डा पंडित दा पुत्तर सी गुरु नानक साहब कहिंदे रावण वर्गा वेद पाठी कोई नहीं सी ओदे वर्गा योधा भी कोई नहीं सुसनियास दत्त उर तारा अस कै बंदत बारंग बारा हुण जे कोई सन्यासी जगते होया सन्यासी बहुत तुरे फिरदे आ भारत की धरती से बड़े सन्यासी नाम नूं लोकां ने कलंक लाया बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए दवाइया सन्यासी बड़े करते सन्यास के नाँ ते लालच पिया हो सन्यासी की नूं कहते जिहड़ा घर बार छड्डदे मुड़ के बड़े ही ना भी मेरा है ही कोई तो अजकल देश नूं सन्यासी लुट रहे पर सन्यासी एक ही होया उहदा नाम सी दत्तात्रेय चलदी कथा च मैनूं याद है अज तो 6 साल पहला एक बार जिक्र किया दत्तात्रेय ऐसा सन्यासी साधु सी उहदे चेलिया ने वेख्या ओए जिथे जांदा मच्छियां खाण लग पैंदा जिथे जो जांदा लोक खांदे खाण लग पैंदा कहिंदे यार साडा बंद कीता आप खाई जांदा दत्तात्रेय कौन सी सुणियो ते दत्तात्रेय ने वेख्या भी ये मेरे ते शंका करदे मेरी अवस्था नहीं जाणदे ओह सी ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी एक दिन वह किसी टकसाल च चले गया टकसाल का भाव जिथे सिक्के डाले जांदे आ आया बैठ गया उन्होंने सेवा की भी दत्तात्रेय महापुरख साढ़े आए हैं वड्डे भाग साढ़े कहिंदे जो कुछ छकाया छक लिया बाद में हुक्म किया कहिंदे मेरे चेलियां नूं छकाओ छक के बड़े खुश कहिंदे इदां करो उबलदा उबलदा सिक्का एक बर्तन च पा के दिओ पहला मैनू बुला दिओ फिर मेरे चेलियां नूं बुला दिओ सतनाम सारी भज गई कहिंदे इह ते मरवाऊगा भाव की सी उह कहिंदा मेरा पदार्थां च स्वाद ही कोई नहीं रस ही कोई नहीं प्रीति कोई नहीं जे उन्हें मछियां खाण का हिसाब नहीं लाया भी की आ गया के खा लिया तो सिक्का पी के भी पचा सकता उबलता लोहा कहिंदा आज पी लो उस दिन पता लग्या भी ये वर्गा सन्यासी कोई नहीं तो सब कुछ छड़िया होया है गुरु नानक साहब कहिंदे दत्तात्रेय वर्गा सन्यासी ऐसा जग दे कोई नहीं होर सन्यासी बड़े फिरदे ने ओ प्रकार की उस्तत कर के सेवक पय हरक उर पर के गुरु साहब ने सुनाई गल कहिंदे सारे रब नाल जुड़े सी सब दी प्रीत रब नाल ही सी कोई किसे जरिए कोई किसे तरीके नाल जदों गुरु नानक साहब ने कहिंदे वचन सुनाए ना मुल्तान दे पीर गदगद हो गए इहो ही पीर ने जिहड़े दूजे धर्म दे बंदे दा नाम नहीं सुनना चाहुंदे सी कहिंदे काफर है गल करती बोधी जैनी हिंदू की अब सुनते क्योंकि मन चो नफरत चली गई
मन चो वैर विरोध चले गया। गुरु नानक साहब की रसना तो सुन सुन निहाल हुए, अरदास करते पातशाह साडा जीवन भी ऐसा हो जाए। तो गुरु साहब ने फिर उन्होंने झोली पाया सी हाजरनामा फारसी का लिखिया, तो जेड़े जेड़े सिख ने कहते हाजरनामे के अर्थ पढ़ ले सुन ले ना, भाई बाला जी कहते जम्मन मरण के संकट तो दूर आखो सतनाम जिन्हें सुन लिया, क्योंकि हाजर नाजर परमात्मा हुंदा किवें उह हाजरनामे च सारा लिखिया किहड़ियां चीज़ां छड़नियां ते किहड़ियां रखनियां ने। गुरु नानक साहब जी ने उपदेश बख्शिश किया मर्द कहिंदे इहनू कमाओ। बड़ी देर तक उन्हां पीरां दे नाल हास विलास दे बचन रहे, कृपा दे घर गुरु नानक साहब कहिंदे सब तो वड्डी गल है खुदा दा नाम चेते करना हर वेले करना, यह नहीं भी सवेर शाम रब नूं चेते कर लिया हुण की लैणा है। गुरु साहब उन्हां पीरां नूं कहिंदे आ कहिंदे हर वेले दम दम सदा संभाल दा दम ना फिरथा जाए, सां सां दे नाल भाई उस खुदा अल्लाह मौला नूं हर वेले चेते करना है। जुर्क की संगत करो लो सर्व सुख पाए, साहब कहिंदे सतसंग करिया करो, बुजुर्ग की संगत कर, बुजुर्ग वड्डियां दी सियाणियां दी जिन्हां ने अपना जीवन कमाया उन्हां नूं बेनती करो सानूं रब की गल सुनाओ, जुड़िया तां जांदा रब नाल। ये नहीं भी दो वेले गुरुद्वारे एक वेले गुरुद्वारे जाए सारा दिन लोगों दीआं गप्पां वड्डियां उहदे नाल रब नहीं मिलना, उहदे नाल अंदर सकून नहीं मिलना। सकून मिलना जे तुरिया फिरदा कोई बंदा दिसदा रब नाल जुड़िया उहनूं हथ जोड़ के आखो सुना कोई ऐसी रब की गल जिहनूं सुण के अंदर प्रीत जागदी। गुरु साहब कहते बुजुर्ग की संगत करे, सियाणिया पुरशां की संगत करनी है भाई, जेडे आप जुड़े ने तैनू जोड़ देंगे। साहिब पैरा खो मन माही विशे बाशना मन हवै नाही, कहते साहिब ते डोरियां रखियो रब ते। गुरु साहब ने बड़ा वचन आख दिता कहते मन के विशे विकार आउणगे आउणगे, रौला यह है गुरु साहब कहिंदे तुहाडे मन च विकार आउणगे नहीं, ते असीं कहिंदे कि साडे मन चों कदे जांदे ही नहीं आखो सतनाम। कदे गुस्सा भारू, कदे क्रोध भारू, कदे मोह भारू, कदे लोभ ते कदे हंकार ते कदे काम, हर वेले असीं प्रवृत्त हाँ संसारी लोक, पर गुरु साहब का वचन हो गया कहिंदे मन राम नाल रब नाल अल्लाह नाल जोड़ के रखो, हर वेले वड्डियां दी संगत करनी आ, सियाणियां दे वचन कमाउणे आ, अंदरों तुहाडे विकार चले जाणगे, बंदगी नाल विकार जाणगे, गल्लां नाल नहीं, गल्लां नाल रब नहीं मिलदा। सत संगत नर कर है जब ही गत सुखन है प्राप्त तब ही, कहिंदे मर्द फिर मुक्ति किदां प्राप्त होएगी, गुरु साहब कहिंदे संगत करी चलो, कट्ठे बह के रब दीआं गल्लां करो, जीवन ज्यौंदे जी मुक्त हो जाणा, तन छड्या तो बाद भी रब दा रूप होवोगे। सर्व पीर पे ठंडे बंधन कर प्रेम बहु बाड़े, ये बंधन सुन रहे सी सारे दे सारे पीर बैठ के बहावल प्रिये हाथ जोड़ ले खड़े हो गए, गल विच पाए पल्ले, बार बार सजदा करदे आ, नमस्कार करदे आ, कहिंदे पीर जी अपने चरणा दा चरणामृत दे दिओ आखो सतनाम, आप मंग के कहिंदे गुरु नानक साहिब अपने चरणा का अमृत साडी झोली पा दियो। मिल कै पैद कै परसन कहे गुरु नानक तुम धन, ते बार बार गुरु नानक साहब नूं आखदे कहिंदे मर्द तुसी धन हो, गुरु पातशाह ने चरण अमृत बख्शिया, बैठ के नाम जपाया, वाहिगुरु शब्द रसना तो उचारण किया, इस शब्द के मायने बड़े गहरे आ, इच राम अल्लाह खुदा सब कुछ ही है, राम जो रमिया होया परमात्मा, खुदा जो खुद खुदा सब कुछ बनाउण वाला है, जो अल्लाह सारिया तो अलग ते वखर है, सब तो वड्डा है। गुरु नानक साहब जी ने सिमरन कराया बैठ के, मुल्तान दे पीरां ने बैठ के बंदगी कीती, एकमेक हो गए, मन चो वैर विरोध चले गया सी मुसलमान दा, ए सिख ने जा ए कोई होर ने ए भेद ही मुक गए, इनते बिदा होए सुखदाई
भाई बाला जी कहते दे के उपदेश गुरु नानक साहब महाराज इथो वदाई लेके चल रहे कहते मेरे मन च ना कई ख्याल आ रहे थे बंदगी वाले साधु सी पीर जुड़े हुए सी पहला भावे करा माता ना जुड़े आ पर जुड़े सी जड़ा जुड़िया होवे वह सौखा होर जुड़ जाता है। गुरु साहब नाल कहिंदे असी पैदल चल रहे सी चलते 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 मेरे मन में आया भी मैं भी कोई सवाल पूछना। मैं क्या पातशाह मन च एक ख्याल आता है सतगुरु कहिंदे बोल पालिया दस भाई मन दिया गल्ला मन विच रखी दिया नहीं अंगद सुनिए ते कल मैं पूजे तब दीन दयाला। कहते पातशाह नु भाई बाला जी कहते सच्चे पातशाह मैं ना फिर रस्ते च हो गया दोने हाथ जोड़ के सच्ची सरकार नु आख्या महाराज इन्ना पीरा दे प्रथाए मन च शंका कोई नहीं कुछ जानण दी उत्सुकता है। जदों जिहड़े राह तुसीं तुरे जा रहे हो ना उस राह बारे जे तुहाडे मन च जानण दी चाहत है समझ जुड़न दा ख्याल वड्डा हो गया। जे रब कोल आउंदे हो गुरु कोल आउंदे हो ना अंदर एक चाहत बनदी है अज आ सुना मैं कल अगे सुना परसों अगे सुना मैं नाम जपा मैनू कोई दस मिनट होर जपा दे रब दी गल होर सुना दे ये उत्सुकता जे मन विच पैदा होण लग पई समझो गुरु नानक साहिब दी नज़र सवली हो रही है। भाई बाला जी कहिंदे मैं क्या महाराज मेरे मन च ना एक ख्याल आउंदा है भी पीर सी सारे ही बराबर सी मैनू कोई वड्डा छोटा लगे आ नहीं पीर को नीका सुन बोले बेदी को लटीका। मैं क्या पातशाह ये दसो इन्हां पीरां च सारिआं तों महान पीर कौन है सब तों उत्तम। गुरु साहब कहिंदे बालिया सारे ही उत्तम ने कोई छोटा वड्डा नहीं। मैं क्या नहीं महाराज मैं उस वे नाल नहीं पुछदा भी चंगा कौन है माड़ा कौन है। देखो हर मनुख भावे कोई दुनियादार है वह अपनी जिंदगी आप परफेक्ट है उसके वर्गा दूजा नहीं कोई ना ही कोई बन सकता। जो मैं बार बार पूछा सतगुरु कहिंदे बालिया इन्हां चों एक पीर बहुत उच्चा है बड़ी वड्डी उहदी करनी है बाकी पीर भी उहनूं मत्था टेकदे आ अवस्था करके पुज्या होया रब दे करीब होया ई समस्त ब्रिज नाम है जेको सब ते ऊंचो पद है तेको। भाई ओ पीर जी नूं आपां मिलण वास्ते गए सी जिहदा नां सी शमशत ब्रिज। गुरु साहब कहिंदे ओह मुल्तान विच अवस्था करके सारिआं ऊंचा ऊंचा अवस्था करके हुंदा उमरां करके सियाणपां करके नहीं माया का अहद्या करके नहीं जिदी अंदर की अवस्था उची है धरती से बैठा भी उचा है तो जिदी सोच नीवी है ना वो तखत बैठा भी टीच से कंगाल ही आखो सतनाम। गुरु साहब कहते वर्गा कोई नहीं। मैं क्या महाराज उत्तम किमें उचा किमें है। फिर गुरु बाबा जी कहते आ तेन आदि काल की कथा सुनाई शमशत ब्रिज की। इस्लाम दे विच ना पीरां तो जिवें दस्तगीर पीर दा बहुत वड्डा नाम है ना शमशत ब्रिज एक महापुरख है जो गुरु नानक साहिब नूं मिलिया सब तो लंबा दाड़ा सी लंबे केस सन इह तां लगदा सी जिवें कोई बहुत प्यारा बजुर्ग बैठा होवे नूरानी चेहरा। भाई बाला जी कहिंदे असीं उस थां ते बहि के जिथे तुरे जा रहे सी रेतियां जी गुरु नानक साहिब महाराज मैनू कथा सुनाउण लगे ने। इसको सुनो सर्व पर संगा जिस प्रकार पाम तो उतंगा। भाई आप बालिया तेनू दसा उन्हें केड़े केड़े दुख ते तसीहे चले क्योंकि सच नू सदा सूली ते फांसी है सच नू सदा दुख ते ठोकरा ने वो साची कादा जिनू मुसीबत कोई ना आवे फिर वो सच नहीं हो सकता वो सच नहीं हो सकता जिन्हों कद कोई ठोकर ना बजे मुसीबत ना आवे भीड़ ना पवे सच नूं ते सदा ही भीड़ां ने आ रहीआं ने। गुरु नानक साहब कहिंदे शमशत ब्रिज का रुतबा बहुत वड्डा पहला भी सी अज भी है ते रहेगा। भाई इहदे च करामातां भी बहुत वड्डियां सी इहने कदे चढ़ाईआं नहीं दिखाईआं नहीं किसी नूं किसी नूं पिछे लाया ना रूम विलायत जहां सो रही पेजा तह मंसूर सो रही। कहिंदे इहदी पुरानी कथा सुणाउने आ ते बचपन वेले बालिया
रोम की धरती से वसदा सी। रोम अजकल इटली च है, कैपिटल है उत्थों की। बेशक हुण यह जिहड़ियां यूरोप दियां कुछ कंट्रीज ने, कुछ देश कृष्णा दे कोल ईसाई लोगों के अधीन ने, पर इत्थे कदे राज रहिंदा सी इस्लाम दा, मुसलमान लोगों का राज सी। इत्थे वड्डे वड्डे अंपायर होंदे रहे, मिडल ईस्ट तो उठ उठ के उन्होंने इत्थे राज कीता। कहिंदे जद इत्थे इस्लाम का बोलबाला सी रोम वलायत विच, इसे धरती ते रहिंदा सी शमश तबरेज। कहिंदे एक रूं दा काम करन वाला पिंजा, जिहड़े पिंजदे आ रूं, क्योंकि ठंडा मुल्क सी, उहदा नां सी मनसूर। मनसूर की कथा बड़िया ने तुहाडे च सुनी होणी, पर आपां मनसूर की कथा नहीं सुनाउणी, शमश तबरेज की सुनाउणी, क्योंकि मनसूर एक महापुरख सी जिहनूं सोली चाढ़िया गया है। जे उह मनसूर चढ़ाया सोली, फिर ना सानूं कहियो। जिवें उहनूं सोली चाढ़िया कि उह सच बोलदा सी, रब नाल जुड़ गया सी। कहिंदे सी उह पिंजा रूं पिंजदा सी। एक दिन कोई फकर आ गया गोदड़ी बनाउण वास्ते, फकीर तुरिया, कहिंदा उह पिंजिया? कहिंदा हाँ जी। कहिंदा लोकां तों पैसे लै लै कपड़े बणाई जांदा, कितें फकीर नूं बणा दे गोदड़ी। कहिंदे फकीर दे बचना दा इन्ना प्रभाव पिया, इन्ना तो मन जुड़ गया। कहिंदा महापुरखो बैठो, हुणे बना के दिंदा। कहिंदे पैसे नहीं हैगे साडे, माया है नहीं। कहिंदा जी तुसीं प्यार नाल मंग लिया ते माया दी की लोड़ है? मंगिया कित्थे जांदा है? जिथे प्रेम होवे। बिना प्रेम तो तुसीं मंग नहीं सकदे। कहिंदे मनसूर ने कोल बिठा लिया फकीर, जल पानी छकाया, वह जो उन्हें मंगिया गोदरी तैयार कर लग गया ठंड करके। हुण उह साधू सी जुड़िया होया, अल्लाह का फकीर कोई, सहज सुभा मनसूर को आ गया। कहिंदा वो मनसूरा गल सुन, झूठ दे पदार्थां नाल जुड़िया होए की करेगा माया का? कहिंदा जी परिवार पलदा। कहिंदा जिदण तू मर जाएगा परिवार कुछ देगा? चुप हो गया। ना करी तां भी ये तैनू बुरा बोलणगे, करेगा तां भी बोलणगे। मनसूर सुन के बड़ा सोचे भी ये तो अज तक दसे ही नहीं किसी ने। फकीर कहिंदा अल्लाह ले की कीता तू? तंग पाउंदा पाउंदा पिंजा हैरान हो गया भी गल्लां की हो रही है। फकीर कहिंदा दुनिया के काम करने करी चल, पर अंदर का काम ते कर लै। जिस काम लई तेनू शरीर मिलिया वो ते कदे कीता ही ना। मिले संत को ताही महाना, सगरो जी पाव के हाना। कहिंदे उस संत साधु ने कुछ घड़ियां कोल बैठ के ऐसे बचन उस मनसूर नूं सुनाए। मनसूर उस वेले सब तो वध पैसे कमाउंदा सी, चंगा कारोबार सी मनसूर दा। पर कहिंदे साधु दे बचन दे असर ऐसे होए, तन मन सौंपता अपना महापुरखां नूं, प्रण कर लिया। कहिंदा जी आ जग दा काम काज छड्डे, अज तू भगती बंदगी अंदरों जाग पिया। सुरत जगाती उन्होंने भी तू किहड़े कमी आया ते काम किहड़े करदा फिरदा। जद मनसूर दी सुरत जुड़ गई उस साधू रब दे प्यारे नूं मिल के, उह साधू कहिंदा हुंदा सी, कहिंदा मैं रब हां। ते मनसूर उहदे कोल सुणदा रहा, मनसूर नूं लग्गिया भगती इत्थों तक पहुँच गई किरपा नाल। कहिंदा मैं रब हां। हुण दुनियावी तौर ते रब अपने आप नूं कहना महामूर्ख है, अवस्था दे तल तों बोलणा कोई गुनाह नहीं। भगत भी ते कहिंदे रहे आ, भगत कबीर कहिंदे रहे आ, तेरे मेरे च फर्क कोई नहीं, तू तू है, हुण मैं है ही नहीं। इत्थे बनावटी बोली सी दुनियावी, उह कहिंदा मैं रब। जदों फकीर दे बचनां नूं सुणिया, मनसूर ने बचन जीवन विच धारण कर लिया, उहनूं लगण लग गया भी मैं उस अकाल पुरख रब दी अंश हां, सारा संसार ही मेरा है। हमें नहीं सी कोई उहदे च भी मैं रब हां। कहिंदी उहदे मन च बड़े ख्याल आए भी मैं हुण ना दुनिया दे काम धंधे छड्ड देने है, मैं सच दी आवाज चुकनी है। अमल हक बोलियो बखियाता, जीव ते पी द्वैत निपाता। साधु अंग जाप दे गए, कहिंदे बोलिया कर अनल हक। अनल हक दा भाव की है? उस फारसी दी बोली विच मैं ही खुदा हाँ। सिमरन दे गेटा, सिमरन रब दी प्रीत नाल कोई करे ना, जे किसी ने मरा मरा भी कीता भी मर जा उन्हूं भी रब मिल गया।
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੇਜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ। ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਪੰਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਖਦਾ ਏ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।